हेलो एवरीवन, आ चुके हैं आपके सामने आज की एक और नई वीडियो लेके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे समय समय पर मिलती रहती है और मिलती रहेगी। आप लोगों का प्यार ऐसा ही बनाए रहे और ऐसे ही बनाए रहे, सब कुछ है वो आप लोगों का साथ चाहिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका आज का 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 9 होने वाला है यहाँ पर इस वीडियो में, 9 नंबर पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन आप जरूर दबा लें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ऐसा जिला कौन सा है बताएं। कर्क रेखा जिस जिले से गुजरती है वो बताएं। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ब है जोधपुर आपका, और स है आपका ए है जैसलमेर जोधपुर, ब है जालौर बाड़मेर, स है जोधपुर भरतपुर, द है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसका राइट आंसर हमें करके बताएं, इसका सही आंसर आपकी दृष्टि से क्या होने वाला है। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में हमें इसका सही आंसर आप करके बताएं, जो भी आपकी दृष्टि से आपको सही लगता है इसकी आंसर, राइट आंसर करके इसका सही आंसर बता दें। आपकी दृष्टि से जो भी आपको इसका उचित आंसर है वो लगता है, फटाफट आंसर दे दें इसके। ऑप्शन ए, ब, स या द, जो भी राइट आंसर हो फटाफट आंसर दें आप। तो बता दें राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है आप बताएं। ऑप्शन ए, ब, स या द, तो कर्क रेखा गुजरती है आपको सभी को बताएं, तो गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों मुख्यालयों का अक्षांश मान सम्मान है, तो बताएं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन राइट होगा बताएं, ऑप्शन ए पाली सवाई माधोपुर, ब है पाली भीलवाड़ा, स उदयपुर सिरोही, और द है आपका यहाँ पर पाली और बाड़मेर। तो राइट आंसर करके बता दें इनका सही आंसर क्या होने वाला आपके दृष्टि से। ऑप्शन ए, ब, स या द, जो भी आपको इसका उचित आंसर लगे फटाफट हमें राइट आंसर दें। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान सम्मान है, तो बता दें कौन सा का जो मान सम्मान है वो हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी, सॉरी ए, ब, स या द, जो भी राइट आंसर है तो फटाफट राइट आंसर कर दें हमें, इसका सही आंसर है वो क्या होगा। जो भी राइट आंसर हो बताएं फटाफट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिला किस संभाग का भाग है? ए है भरतपुर, ब है आपका जयपुर, और स है जोधपुर, और द है अजमेर। तो राइट आंसर करके बताएं इसका, जो भी राइट आंसर है फटाफट राइट आंसर करके बताएं। ऑप्शन ए, ब, स या द, अलवर जिला किस संभाग का भाग है, राइट आंसर करके बता दें। जो भी इसका राइट आंसर आप यहाँ पर उचित वो फटाफट इसका राइट आंसर हमें दें और बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपकी दृष्टि से। जो भी राइट आंसर हो फटाफट आंसर कर दें हमें इसकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से जो भी सही आंसर हो फटाफट आंसर करें इसका सही आंसर क्या होगा। 83, अलवर जिला किस संभाग का भाग है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। राइट आंसर करिए ऑप्शन ए, ब, स और द। 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देके बताएं, जो भी सही होगा। अलवर जिला किस संभाग का भाग है, तो बताएं ऑप्शन अलवर जिला है वो है आपका, बे ऑप्शन जयपुर का भाग है। श्री गंगानगर शहर है वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर में है, पूर्व मध्य दक्षिण, ए है उत्तर, ब है पूर्व, स है मध्य, द है दक्षिण भाग में। तो राइट आंसर करके बताएं, श्री गंगानगर शहर है, श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, तो बताएं। 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर करके बता दें इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। यहाँ पर जो भी सही राइट आंसर हो बता दें इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए, ब, स या द, श्री गंगानगर शहर वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। यहाँ पर जो भी सही आंसर आपको उचित लगे वो आंसर हमें दें और इसका सही आंसर है वो बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें इसका सही आंसर क्या होने वाला आपकी दृष्टि से। जो भी यहाँ पर उचित आंसर हो हमें इसका आंसर दे दें। 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये है आपका उत्तर में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन, नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बना है? ए चित्तौड़गढ़ से बना केवल, ब है चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा से, स है चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा उदयपुर से, और द है चित्तौड़गढ़ उदयपुर से। तो राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या। ऑप्शन ए, ब, स या द। 85 नंबर क्वेश्चन, नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों भूभाग से बना हुआ है?
ऑप्शन चित्तौड़गढ़ से केवल से, बै चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा से, स चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा उदयपुर से, द चित्तौड़गढ़ उदयपुर से। नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बनाया है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ केवल से, वह चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा से, सह चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा उदयपुर से, दह चित्तौड़गढ़ उदयपुर से। तो नाइट राइट आंसर करके बताएं, जो भी इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से? जो भी राइट आंसर हो फटाफट राइट आंसर दे दें। आपकी दृष्टि से 85 नंबर क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन स चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, वह है 4500 से 5500 वर्ग किलोमीटर के मध्य, स है 5000 से 6000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, और द है 5500 से 6500 वर्ग किलोमीटर के मध्य। तो बताएं 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। जो भी राइट आंसर, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो बता दें 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर जो भी हो फटाफट राइट आंसर करके बताएं। ऑप्शन ए, बे, से या दे, 86 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमें इस फटाफट इसका आंसर दे दें आपकी दृष्टि से। यहाँ पर जो भी राइट आंसर हो आपकी दृष्टि से, यहाँ पर जो भी फटाफट राइट आंसर हो आपके, आपको इसका सही आंसर लगता है वो आप आंसर हमें सजेशन कर दें। 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो भी राइट आंसर, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही है? ए ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन है 1970 से 1990, बे 1962 से 1987, से 1966 से 1987, दे 1965 से 1989। बताएं इसका राइट आंसर, बताएं फटाफट राइट आंसर। जो भी आपको इसका उचित आंसर लगे फटाफट राइट आंसर कर दें। आपको इसका क्या राइट आंसर लगता है फटाफट मेरे इसका सही आंसर देके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। तो बताएं 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपकी दृष्टि से, यहाँ पर क्या इसका सही आंसर आप मानते हो वो आंसर फटाफट यहाँ पर दे और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। जो भी सही होगा आंसर दे दे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना 87 नंबर क्वेश्चन का वो ना आपका 1962 से 1987, बे ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी 1962 से 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में जिले हैं कितने हैं? ए ऑप्शन धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कलोरी, करौली, डींग, कोटपुतली। बे भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी, हवाई सवाईमाधोपुर। स ऑप्शन धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, डींग, खेरथल, तिजारा, और द ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें सर इसका राइट आंसर करके बताएं ऑप्शन ए, बे, से या द, जो भी राइट आंसर हो यहाँ पर फटाफट इसका राइट आंसर कर दें। आपकी दृष्टि से यहाँ पर जो भी राइट आंसर होगा फटाफट फटाफट इसका आंसर करें आप। जो भी आपको इसका सूचित आंसर लगे आंसर कीजिएगा इसका, जो भी राइट आंसर आपको सही लगे। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं आपको बताना है? तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं फटाफट आंसर कर दें इस आपकी दृष्टि से। तो भरतपुर संभाग है इसके अंदर हैं छः जिले हैं, तो भरतपुर बे ऑप्शन है, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है जयपुर, बे जैसलमेर, से जोधपुर और द है गंगानगर। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताएं ऑप्शन ए, बे, से या द। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फटाफट राइट आंसर करके बता दें इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। जो भी सही आंसर हो ऑप्शन ए, बे, से या द, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राजस्थान का एक कौन सा जिला है? वो है आपका जयपुर, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसी टॉपिक का भी, लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 9 था, यहाँ पर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? ए 6, बे 10, से 8, दे 9। तो कितने भागों में बांटा गया है फटाफट राइट आंसर दे दें, 6, 10, 8 या 9। तो राइट आंसर क्या होगा जो भी फटाफट राइट आंसर करके हमें बताएं इसको, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है आपकी दृष्टि से। जो आंसर हो सजेशन करके बताएं इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा।
बता दें इसका जो भी आंसर है वो आप सजेशन करके हमें बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 10 जिले होते हैं। तो इस वीडियो में हमने हमारा टॉपिक का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा टॉपिक था आप सभी को पता है राजस्थान के जिले व संभाग राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से मुलाकात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।